देखिए आज ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा क्रिकेट खेला है और थोड़ा सा मैं पिच देख के भी सरप्राइज हुआ हूँ और प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ। पेस था, बाउंस था, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प था, तो ये एक अच्छा पिच था जो थोड़ा सा सरप्राइज किया भारत के बल्लेबाजों को। टॉस भारत ने हारा है इन कंडीशंस में, पिछले दो तीन दिन से बहुत बारिश भी हुई है तो पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर था जिसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया है। मैं समझता हूँ एक मैच खराब हुआ है भारत के लिए, भारत ज़रूर वापसी करेगी हैदराबाद में। भारत इतना खराब अभी तक नहीं खेला है, एक मैच में समझता हूँ थोड़ा सा भारत फंस गया बीच में, क्योंकि इस विकेट में थोड़ा सा जूस था, थोड़ा सा हेल्प था फास्ट बॉलर्स के लिए। जब पहले ही आप 20-25 पे चार विकेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। मैं समझता हूँ केदार यादव में दम है। आप पुनः सोचिए, एक साल पहले शायद इंग्लैंड जब आया था, इंग्लैंड ने 350 बनाया था और भारत के चार विकेट गिर चुके थे। केदार यादव ने मैच जिता के लेके आया 130 बनाकर, कलकत्ता में भी उन्होंने जिता के लेके आया। भारत में आपको स्पिनर्स अच्छे दिखेंगे, भारत में आपको बल्लेबाज अच्छे दिखेंगे। ये जो हाल ही में मैं सुन रहा हूँ कि चाहल और कुलदीप यादव अश्विन और जडेजा से अच्छा है, थोड़ा सा बाहर जाने दीजिए, फिर एक साल बाद बात करेंगे कि आपका दो स्पिनर कौन है। मैं समझता हूँ ये मैच वन ऑफ है भारत के लिए। ये मैच भारत थोड़ा सा फंस गया, गीला सरफेस पे शुरू में आउट हो गया, तो समय नहीं आया भारत के बारे में ये चर्चा करने का। मैं अभी भी समझता हूँ भारत अच्छा T20 टीम बन सकता है, उतना अच्छा T20 टीम है नहीं। वेस्ट इंडीज़ ने भी आखिरी वनडे में, आखिरी T20 मैच में हमको 9 विकेट से हराया, इधर भी एक एक की बराबरी हुई है। शायद हम हैदराबाद में जीत जाएंगे उस पिच के ऊपर, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में उतनी दम नहीं है। केदार यादव और मनीष पांडे में काबिलियत है। एक साल पहले या डेढ़ साल पहले सोचिए, मनीष पांडे ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच उनको मौका मिला, शतक बनाया सिडनी में और भारत को जिताया शतक बना के। तो मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा अपने इन खिलाड़ी के ऊपर जजमेंट का। मनीष पांडे के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा अपना ऑफ साइड की क्रिकेट को थोड़ा सा टाइट करे। मैं समझता हूँ उनके पास टेम्परमेंट है बड़ा क्रिकेट खेलने का।